अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हुमेरा के किचन में नई रेसिपी के साथ आप लोग देखेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट खोरमा। चिकन वाइट खोरमा आप मुझे पहली बार इस वीडियो पे देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे जाए मत, और इस रेसिपी का भी आप मज़ा लेकर मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मैं वाइट खोरमे में डाल रही हूँ दही। मैं इसे पहले मैरिनेट करके 1 आवर हाफ एन आवर रखूँगी। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप तुरंत बना सकते। तो मैंने दही लेके हैं, दही आधे लीटर के पैकेट में आधा लिया है मैंने, और फ्रेश क्रीम, इसके ऊपर मैं कुटी हुई काली मिर्ची लूँगी, पिसा हुआ पाउडर। अगर आपके पास है तो सफ़ेद काली मिर्च ले सकते हैं, यानी तो ब्लैक काली मिर्च का ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं, लाइक ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैंने काली मिर्ची इसमें मैरिनेट कर लिया। आपको कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं काली मिर्ची। और मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, ज़्यादा नहीं है कस्तूरी मेथी, मैंने एक स्पून लेके उसको क्रश कर लिया है अच्छी तरह। तो मैं इसमें भी डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने डाला है 2 1/2। अब मैं अब इसमें डालूँगी नमक, टेस्ट के बराबर आप नमक डालें। मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। तो आप देख सकते हैं मैरिनेट क्या करा है मैंने, देख ली। अब इसको आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप तुरंत बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 2 आवर्स 3 आवर्स मैरिनेट करके रख सकते हैं, हाफ एन आवर, ठीक है। इसमें मैंने डाला है काली मिर्च, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही, फ्रेश क्रीम। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है, मलाई है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे मैंने मैरिनेट करके रख लिया है। तो मैं भी इसमें ये रखूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी, बादाम और बेबी काजू लेके। आपके पास दूसरे वाले काजू हैं तो वो भी ठीक है, मैंने यहाँ पर बेबी काजू लिए हैं, और 10 to 15 बादाम लेकर हैं। फिर हमें ये चाहिए ऑनियन, जो मैं ऑमलेट के इसमें प्याज कटी हुई रख ली है, ऑनियन ऐसा बारीक चॉप करके रख लें, और काले मिर्च 10 to 15 है, और टेस्ट के लिए एक तेज़पत्ता, और बड़ी इलायची, और ये दालचीनी मतलब पट्टा, और ये इसे फूल कहते हैं, गरम मसाले में मिलता है, तो आप इसको भी ले लें, डेढ़ लिया है मैंने, और 6 इलायची छोटी है इसलिए मैंने 7 ले लिया, 6 इलायची लेना, बड़ी अगर हो तो। लौंग लिया है मैंने, प्याज, तेज़पत्ता और काली मिर्च, बड़ी इलायची, पट्टा, और ये इसको फूल कहते हैं, ये गरम मसाले का ही मिलता है, तो इलायची, हरे मिर्च, लौंग, और गार्निश के लिए कोथिमीर, जो मैंने धो के वॉश करके रख ली है। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँगी अभी, ठीक है, काजू और बादाम दोनों का पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। तो मैंने इसे ग्राइंड कर बादाम और काजू का पेस्ट बना लिया है। तो मैंने यहाँ कुकर रख लिया। अब मैं उसका वाइट खोरमा का, चिकन वाइट खोरमा का आपको बघार दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने कुकर रखा है, तो मेरा तेल गरम हो गया, तो मैं अभी इसमें डालूंगी गरम मसाला। मैंने 2 मिनट के लिए गरम मसाला तल लेती हूँ। आज घर में मेहमान है तो पीछे से आपको आवाज़ भी बहुत आती होगी,
तो मैंने गरम मसाला फ्राई कर लिया। अब मैं डालूंगी ऑनियन। ऑनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लो फ्लेम पे रख के थोड़ा सा उसको 2 मिनट तक ये करना है। हम बना रहे हैं वाइट कोरमा, इसलिए मैं ज़्यादा आज इसको प्याज को गोल्डन नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा इसको फ्राई होना है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज कितनी करी है, ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि वाइट कोरमा है, इसलिए प्याज ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना तो उसका जायका चले जाएगा। तो अभी मैंने जो मैरिनेट करके है वो पूरा इसमें डाल दूँगी। इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह चम्मच चलाते रहें और इसकी जो अदरक लहसुन की पेस्ट और जो कच्चे मसाले की खुशबू, दही का क्रीम, सब कुछ हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे 5 से 10 मिनट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा तेल भी ऊपर आ गया, तो मैंने 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह वो भून लिया। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी लगा डालूंगी, जो मैंने क्रीम का पानी था मैरिनेट किया हुआ वही डाल दिया था। तो अब इसमें मैं विजल्स लगाऊंगी, 2 विजल्स लगा के 3 मिनट सिम पे रख के फिर आपको बंद कर दूंगी। फिर हम बाकी के क्रीम, वो जो ड्राई फ्रूट पीस के हैं वो डाल के फिर उसको बाद में भूनेंगे जब कसर बाकी रह गई। अब मैंने इसे 10 मिनट भून लिया है, फ्राई कर लिया इसे, तो मैं अब इसमें 2 विजल्स लगाऊंगी। 2 विजल्स लगाऊंगी, अब 2 विजल्स लगा के 3 मिनट तक सिम पे रखें, फिर हम बाद में भी इसको भूनना है, इसलिए 2 विजल्स लगाना और 3 मिनट तक सिम पे रखना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सीटी ठंडी हो गई है, तो मेरी ग्रेवी आप देख सकते हैं। तो मैंने फिर से इधर स्टोव चला लिया, मेरी ग्रेवी आप देख ही सकते होंगे कैसी है, फिर से मैंने स्टोव चला लिया है। तो मैं भी यहाँ पे इसको अच्छी तरह भूनूंगी। जो मेरे पास ड्राई फ्रूट था वो ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सर करा था, वो ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, वो भी मैंने इसमें डाल ली। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी में नहीं, इसमें जो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा थी मैंने इसमें डाल ली। मैं इसको अच्छी तरह 5 से 10 मिनट्स पकाऊंगी। आप देख सकते हैं वाइट खुरमा जैसा हुआ है। आपको लग रहा अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताएं कि कैसे लगता है ये आपको। और मुझे लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए कि दूसरों तक, आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके पास मेरी रेसिपी ये पहुंच जाए। इजी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या अपने घर में पकाना है अच्छी डिश, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर करके देखिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मेरी ग्रेवी अच्छी तरह बन गई, तो मैं इसे गार्निश के लिए कोथमीर डाल दूंगी।
तो मेरा वाइट खोरमा रेडी हो गया है, चिकन वाइट खोरमा। तो मैं यहाँ पे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। आपके फ्रेंड्स को भी बता देना कि ये आप रेसिपी आप यूज़ करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये मैं सर्व करने के लिए रेडी हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह कल फिर दूसरी नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।